बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज कर रहे थे 4B। क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 7। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। वो आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4 डिजिट नंबर हो। 4 डिजिट नंबर जिसमें 4 डिजिट आ जाएँ, जिस तरह कह लें कि हमारे पास ये एक 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसा हमने एक 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 40, 50 एंड 60 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। एक ऐसा 4 डिजिट नंबर जिसको जब हम 40, 50 और 60 से डिवाइड करें तो हर सूरत में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5। तो हम 40, 50, 60 यानी जिससे डिवाइड करना है उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ले लें जी 40, 50 और 60 का। सबसे पहले ये किससे जाएगा, 2 से। 2 2 ज़ा 4, 0 वैसे का वैसे ही। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 0 वैसे का वैसे ही। दोबारा अब ये किससे जाएगा जी, 2 से। 2 10 ज़ा 20, 25 वैसे का वैसे ही। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। दोबारा 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 25 वैसे का वैसे ही, 15 वैसे का वैसे ही। अब ये किससे जाएगा जी, 3 से। 5 वैसे का वैसे ही, 25 भी वैसे का वैसे ही, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। दोबारा किससे जाएगा, 5 से। 5 1 ज़ा 5 और 1 वैसे का वैसे ही। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स या एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और 5 टू टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन सब को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, ये हमारे पास आ गया 24। और 5 5 ज़ा 25, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 5 4 ज़ा 20, 0 लगाओ और कितने कैरी जी, 2 कैरी। 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12। अब जी 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ऐड कर देंगे 0 वैसे का वैसे ही, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, ये हमारे पास आ गया 600। लेकिन हमें नंबर चाहिए 4 डिजिट, ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 डिजिट नंबर आ रहा है। तो लिखेंगे नाउ 4 डिजिट नंबर इज 600 को, ये सारा रफ फॉर्मूला है जी, 600 को मल्टीप्लाई करो कि 4 डिजिट नंबर आ जाए। 600 वन ज़ा 600, 600 टू ज़ा 1200। तो 4 डिजिट नंबर हमारे पास आ गया 600 मल्टीप्लाई 2, विच इज़ 1200। ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ गया, 1 2 3 एंड 4। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो कितना है, 5। एज रिमाइंडर इज 5, सो 1200 में वो जो रिमाइंडर बच गया है 5, उसको ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 1205। ये वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसको जब हम 40, 50 और 60 से डिवाइड करेंगे तो हर सूरत में रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाएगा, 5। उसके बाद जी आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें।
ये सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। स्टेटमेंट की समझ आ गई तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। वही क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहीं पर वो 4 डिजिट नंबर पूछ रहा है, कहीं पर वो 5 डिजिट पूछ रहा है, कहीं पर वो ग्रेटेस्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है और कहीं पर स्मॉलेस्ट का। तो चाहे ग्रेटेस्ट नंबर हो चाहे स्मॉलेस्ट नंबर हो, तकरीबन जो काम है वो सब में सेम ही है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब हमने सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, विच वेन डिवाइडेड बाई 25, 30 एंड 40। जिसको जब हम 25, 30 और 40 से डिवाइड करें तो हर तो रिमाइंडर्स जो है हमारे पास वो बचेगा 20, 25, 35। यानी 25 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 20, 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 25, और जब 40 से डिवाइड करेंगे तो इस सूरत में रिमाइंडर कितना बचेगा 35। तो सबसे पहले जिससे भी डिवाइड करना है उसका हमने एलसीएम ले लेना है। डिवाइड हमने यहाँ पे किससे करना है, 25, 30 एंड 40। तो एलसीएम ले लो 25, 30 और 40 का, यही है जी 25, 30 एंड 40। ठीक है जी, एलसीएम यहाँ पे ले लो। सबसे पहले 2 से जाएगा 25, वैसे का वैसे ही, क्योंकि 2 के टेबल में 25 नहीं आता। उसके बाद जी 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 10 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 0, वैसे का वैसे ही, 2 के टेबल में 25 नहीं आता, वैसे का वैसे ही, 15 भी वैसे का वैसे ही, 2 1 ज़ा 2 और 0, वैसे का वैसे ही। अब जी दोबारा 2 से 25 नहीं आता, वैसे का वैसे ही, 15 भी वैसे का वैसे ही, और 2 5 ज़ा 10। अब ये जाएगा 3 से, 25 वैसे का वैसे ही, 15 वैसे 3 5 ज़ा 15, 5 वैसे का वैसे ही। अब जी 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, एंड 5 1 ज़ा 5, 1 और 1 वैसे का वैसे ही। एलसीएम इसका आ गया जी 2 2 2 3 3 5 और 5। सब को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 और 5 5 ज़ा 25। तो ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या बन गया था, 600। नाउ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वो हमारे पास क्या है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए था, तो हमने 600 को मल्टीप्लाई किया जब तक 4 डिजिट नंबर नहीं आया। अब हमें ग्रेटेस्ट, एक तो ये ग्रेटेस्ट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर। इसका मतलब है हमने 600 का टेबल पढ़ना है जब तक हमारे पास 5 डिजिट नंबर ना आ जाए, तो वो एक बड़ा लेंथी टेबल बन जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट हमारे पास हुआ है वो कौन सा है। तो वो हमारे पास है जी 9 9 9 9 9। ये हमारे पास सबसे बड़ा जो 5 डिजिट नंबर है। किस तरह, इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 9 9 9 एंड 9, और एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 600। तो 5 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को 600 पे डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 600 1 ज़ा 600। पीछे हमारे पास क्या बच गया, माइनस किया 9 9
9 में से 6 को माइनस किया तो क्या बच गया 3। 7 अटैच कर लो एक और 9 को, 600 का टेबल पड़े जी 6 तक, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36, माइनस कर देंगे 9 को 0 में माइनस किया 9, ये भी 9, 9 में से 6 को निकाला तो 3, अगेन ये 9 बच गया, पहले हमने इसका किया फिर ये उतारा, अब ये उतारेंगे तो ये दोबारा क्या बच जाएगा 9, दोबारा 6 से ही जाएगा और ये आ जाएगा 3600, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 9 9 9 9, और 9 में से 6 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 399। तो नाउ ये जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है इसमें से माइनस कर दो 399 को, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99600। तो 99600। अब एक और कंडीशन है, ये रिमाइंडर बचा जब 600 को ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से डिवाइड किया, एक रिमाइंडर जो कंडीशन में है जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है उसमें भी बच रहा है, वो रिमाइंडर कितना बच रहा है अगर हम देखें तो हर सूरत में जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे उस सूरत में रिमाइंडर बचा 20, माइनस किया तो क्या बच गया जी 5, जब हमने इसको डिवाइड किया 30 से उस सूरत में रिमाइंडर बचा 25, माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा 5, जब हमने इसको डिवाइड किया 40 से उस सूरत में रिमाइंडर बचा 35, यानी हर सूरत में रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो इस टोटल अमाउंट में से भी जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 5, तो टोटल अमाउंट क्या है 99600। इसकी यहाँ पे देख लेते हैं, रेस कर देता हूँ, नाउ रिक्वायर्ड 5 डिजिट नंबर लिख लो, चाहे 5 डिजिट नंबर इज, वो हमारे पास आ जाएगा इसमें से 99600 माइनस 5, तो ये हमारे पास बच गया 99600 में से 5 को माइनस कर दो तो 595। ये वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसको जब हम डिवाइड करेंगे, जो रिक्वायर्ड में उसने पूछा हुआ था किस किस से वाला 25 30 और 40 में से, तो हर सूरत में रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद जी आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 9, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट बताएगी कि हमने क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट क्या है जी, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर, अब हमारे पास उसी तरीके से लोएस्ट नंबर आ गया, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडिड टू 2000 सो डैट सम इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 10, 12, 16 एंड 18। वो लोएस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको जब 2000 में ऐड करें तो वो डिवाइड हो जाए 10 से भी, 12 से भी, 16 से भी और 18 से भी, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी पीछे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो सबसे पहले किससे हमने डिवाइड करना है, 10, 12, 16, 18, जिससे भी डिवाइड करना हो उसका एलसीएम ले लो, 10, 12, 16 और 18, किससे जाएगा जी 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18,
दोबारा टू से, फाइव वैसे का वैसे ही, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट, नाइन वैसे का वैसे ही, फाइव वैसे का वैसे ही, थ्री वैसे का वैसे ही, टू टू ज़ा फोर, दोबारा जी टू से ही जाएगा, थ्री टू वन ज़ा टू, नाइन वैसे का वैसे ही, अब ये जाएगा थ्री से, थ्री वन ज़ा थ्री और थ्री थ्री ज़ा नाइन, दोबारा थ्री से जाएगा, वन वन वैसे का वैसे ही रहा, थ्री वन ज़ा थ्री और अब ये किससे जाएगा जी, फाइव से। एलसीएम इन सब का प्रोडक्ट वो हमारे पास आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, वन टू थ्री फोर, टू फोर टाइम्स है, वन टू थ्री एंड फोर मल्टीप्लाई, थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, मल्टीप्लाई कर दो जी, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, ये हमारे पास आया सिक्सटीन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव, ये आ गया फोर्टी फाइव, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, ज़ीरो थ्री कैरी, फाइव वन ज़ा फाइव और थ्री एट, फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर, फोर लगा टू कैरी, यहाँ पे आ जाएगा टू कैरी, फोर वन ज़ा फोर और टू बन गया सिक्स, ज़ीरो एट फोर ट्वेल्व, वन कैरी, सिक्स और वन सेवन, ये हमारे पास क्या बच गया जी, सेवन ट्वेंटी। हमने वो नंबर लेना है जो 2000 में ऐड करें, अब 720 है, 720 का टेबल पढ़ें जी 2000 तक, तो 720 वन ज़ा 720, 720 टू ज़ा ये बन जाएगा 14 एंड 40, 723 ज़ा ये हमारे पास बन जाएगा 9, 723 ज़ा, थ्री ज़ीरो ज़ीरो, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री सेवन ज़ा टू, वन सिक्स ज़ीरो। अब हमने वो नंबर फाइंड करना है जो 2000 से लोएस्ट नंबर फाइंड करना है, जो 2000 में हमने ऐड करना है, तो आ जाएगा लोएस्ट नंबर 2160, इसको माइनस कर दो 2000 से, तो ये बन जाएगा 160, यानी 160 वो नंबर है जिसको जब हम 2000 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2160, और ये एग्जैक्टली तौर पर डिवाइड हो जाएगा 10 से, 12 से, 16 से और 18 से, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड करना था वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 160। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।